हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आज जो अपन क्लास लेने जा रहे हैं वो क्लास अपनी बिलीव साइंस, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, जिसमें आपका एक पेपर प्रैक्टिकल पेपर होता है। पेपर का जो नंबर है BLA 713। पेपर का जो नाम होगा ICT एप्लीकेशंस इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस प्रैक्टिकल। अब इस पेपर में क्या आता है, पेपर को अपन कैसे सोल्व करें, आंसर है ना कैसे दिए जाएंगे, आंसर कॉपी में अपन को है ना क्या लिखना होगा, तो अपन इसके पूरे क्वेश्चंस की है ना पूरे सोल्व करने की स्टेप्स को अपन देखेंगे और किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वो आंसर कैसे दें, ये अपन इस ट्यूटोरियल में देखेंगे। तो अपन शुरू करते हैं। तो आपके जो प्रैक्टिकल में जो टोटल क्वेश्चंस आते हैं, 4 प्रश्न आते हैं टोटल, तो ये आपके 100 मार्क्स का टोटल प्रैक्टिकल होगा, जिसमें वाइवा प्लस प्रैक्टिकल रिकॉर्ड प्लस है ना क्वेश्चंस, 4 क्वेश्चंस, ये सब मिला के टोटल 100 मार्क्स का होगा। 3 घंटे का इसका टाइम ड्यूरेशन होगा, है ना। एक बैच में आपके 20 स्टूडेंट होंगे, 20 स्टूडेंट में आपका प्रैक्टिकल पेपर चेंज हो सकता है। अब प्रैक्टिकल में क्या क्वेश्चंस आते हैं ये अपन देखेंगे। तो अपन देखेंगे ना, अपने प्रैक्टिकल में 4 बेसिक टाइटल है। एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम्स का क्वेश्चन 100% आएगा, जिसमें प्रीवियस अगर अपन पेपर की स्टडी करें तो MS-DOS का एक क्वेश्चन आता है, जिसमें आपको 4 या 5 कमांड यहाँ पे पूछते हैं, 5 डिफरेंट कमांड्स के बारे में पूछते हैं। कमांड का आपको डिस्क्रिप्शन लिखना होगा, कमांड का सिंटेक्स लिखना होगा, कमांड को कंप्यूटर पे प्रैक्टिकल करके दिखाना होगा। और ये विंडोज में भी बेसिक ऑपरेशंस पूछ सकते हैं, शॉर्टकट बनाना, फोल्डर बनाना, फाइल को कॉपी करना, फाइल का रीनेम करना, इस तरह से विंडोज में भी आपके है ना कमांड्स पूछ सकते हैं। और इसके साथ ही इसमें एक क्वेश्चन है ना ए और बी पार्ट, 2 पार्ट में आता है। बी पार्ट का जो क्वेश्चन होता है वैसे तो मैक्सिमम एक्सेल के ऊपर आता है, हो सकता है एम एस वर्ड के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाए या पावर पॉइंट के ऊपर भी आ जाए। तो ये आपके है ना 2 पार्ट में डिवाइडेशन होता है, ये आपका जो पहला क्वेश्चन है वो 2 पार्ट में डिवाइडेशन होता है, 50-50% 50-50 मार्क्स का ये मान के चले अपन। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 100% सेकेंड क्वेश्चन जो आता है वो MS Excel का हो सकता है ना, या हो सकता है इसकी नंबरिंग थर्ड ऑप्शन पर हो या फोर्थ नंबर के ऑप्शन पर हो। तो MS Excel का डेटाबेस क्रिएट करने का एक क्वेश्चन 100% आएगा। डेटाबेस टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, डेटाबेस टेबल में है ना कैसे रिकॉर्ड को एंटर करते हैं, फिर रिकॉर्ड को कैसे सॉर्ट करें, वो कुछ इसमें फिर क्वेरीज को लेके कुछ इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करना होता है अपन को। तो एक क्वेश्चन आपका MS Excel का आता है, MS Excel डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एक प्रोग्राम कह दो, है ना। और एक क्वेश्चन आपका वेब पेज डिजाइन करने का आता है, एक क्वेश्चन आपका वेब पेज डिजाइन करने का आता है, जिसमें HTML में आप कोडिंग करनी होती है। HTML में अपन वेब पेज कैसे डिजाइन करें, तो इसमें टेक्स्ट के बारे में पूरा अपन को नॉलेज होना चाहिए। और एक क्वेश्चन आपका फोर्थ नंबर पे या थर्ड नंबर पे इंटरनेट सर्चिंग का आता है, जिसमें आपको कोई भी वेबसाइट को ओपन करके फिर आपको ना उसका URL फाइंड आउट करके कुछ इन्फॉर्मेशन को डाउनलोड करके अपनी कॉपी में लिखना हो सकता है। तो 3 घंटे का पेपर होगा, 100 मार्क्स का पेपर होगा। तो अपन क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करें, तो अपन है ना क्वेश्चंस का कुछ सैंपल क्वेश्चंस अपन देखते हैं जो प्रैक्टिकल में 100% आता है। तो अपन एक क्वेश्चंस को यहाँ देखेंगे आज इंटरनेट सर्चिंग के ऊपर, कि आपका इंटरनेट पे है ना कैसे WWW के अंदर से अपन कैसे वेबसाइट को ओपन करें या कैसे वेब पेज को डिस्प्ले करें अपने अपने क्लाइंट पे, अपने यानी कि अपने कंप्यूटर पे। तो अपना इस क्वेश्चन को अपन देखते हैं। तो प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन देखो आप, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि यूजिंग द इंटरनेट सर्च, कि आप इंटरनेट के थ्रू सर्च करेंगे है ना, फाइंड आउट इंफॉर्मेशन। तो इसमें 5 पार्ट है, जिसमें पहले तो आपको विजिट करेंगे ऑफिशियल वेबसाइट राज, ये हो गया जैसे राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन है ना, इसको कैसे अपन वेबसाइट को विजिट करें या कैसे ओपन करेंगे। फिर ओपन द होम पेज एंड राइट डाउन द URL, URL है वेबसाइट का एक एड्रेस होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है ना, URL का भी आपको पूरा नाम होना चाहिए, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, रिसोर्स लोकेटर है ना। तो अपन को वेबसाइट का एक जो एड्रेस होता है जिसके थ्रू अपन वेबसाइट को ओपन करते हैं, वो आपका URL होगा, उसको अपन को कॉपी में राइट डाउन करना है। तीसरे आपके इसमें स्टेप्स दे रखी है, राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन अबाउट ये RRLF है ना, ये हो गया राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन। इस पर आपको एक शॉर्ट नोट्स लिखना है, जिसमें 1-2 पैराग्राफ की डिटेल है, वेबसाइट को सर्च करने के बाद में जो स्क्रीन पे आएगा उसको अपन को कॉपी में नोट डाउन करना है।
तीसरा चौथा ऑप्शन है फाइंड द एक्टिविटीज एंड सर्विसेज ऑफ RRRLF ऑन वेबसाइट। इस वेबसाइट की क्या है ना एक्टिविटीज है, क्या सर्विसेज है, तो इसके बारे में भी अपन को इन्फॉर्मेशन को सर्च करके अपने कॉपी में नोट डाउन करना है। फिर इस वेबसाइट का बुक मार्क बनाना जो डायरेक्ट अपन ओपन कर लें। जो वेबसाइट है मैक्सिमम जो डेली रूटीन की वेबसाइट होती है जो डेली अपन को खोलने का काम करते हैं अपन, उसको बुक मार्क में या फेवरेट फेवराइट में अपन डाल के उसका एक वो लिंक दे सकते हैं अपन इस पे एड्रेस बार के अंदर। तो बुक मार्क कैसे बनाएंगे, तो अपन के पांच ऑप्शंस के आंसर देने हैं। ईच ऑप्शंस आपके 2 मार्क्स का है, टू टू मार्क्स का है, तो ये टोटल आपके 10 मार्क्स का क्वेश्चन है फिलहाल। तो अब इसका आंसर कैसे दे तो वो अपन देखेंगे अपन। तो इसका आंसर देने के लिए ये जरूरी है कि आपको कुछ माइंड में इंफॉर्मेशन को मतलब फॉलो करना होगा। तो एक तो आपका कंप्यूटर पे इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, इंटरनेट रेडी कंप्यूटर होना चाहिए। अगर इंटरनेट रेडी नहीं है तो आप इस क्वेश्चंस को नहीं कर सकते, पहला तो ये ध्यान रखोगे। दूसरा आपके पास है ना वेब ब्राउजर होना चाहिए, वेब ब्राउजर होना चाहिए जिसमें आपका गूगल क्रोम है ना, गूगल क्रोम या आपका मोजिला फायरफॉक्स या माइक्रोसॉफ्ट एज, तीन में से कोई सा भी अपने कंप्यूटर में होना चाहिए। फिलहाल अपन को ना गूगल क्रोम हर कंप्यूटर पे मिल जाता है, अगर ये नहीं है तो माइक्रोसॉफ्ट एज को भी यूज में ले सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट एज ये भी है ना विंडोज का बाय डिफॉल्ट ब्राउजर है। कई कंप्यूटर में हो सकता है मोजिला फायरफॉक्स हो, तो तीन ब्राउजर में से कोई से भी ब्राउजर अगर कंप्यूटर में है तो अपन है ना इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो अपन को वेब ब्राउजर अपने कंप्यूटर पे होना चाहिए, डेस्कटॉप पे या प्रोग्राम की लिस्ट में गूगल मिल जाएगा वैसे आपको, तो ये होगा तो ये आंसर दे पाएंगे। अब आंसर कैसे देते हैं, तो अपन को एक क्वेश्चन अपन ने देख लिया, इस क्वेश्चन में 5 पार्ट है, 5 पार्ट के आपको पूरी स्टेप्स लिखनी है कैसे इस क्वेश्चन को है ना अपन फॉलो करेंगे, पूरी स्टेप्स कॉपी में बना के लिखनी है। तो सबसे पहला जो पार्ट है इसमें विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन। अब वेबसाइट को कैसे विजिट करें तो उसको अपन को यहाँ देखना है। तो अभी अपन देखें, इसको मैं मिनिमाइज कर रहा हूँ। अब अपना ब्राउजर देखो कि गूगल क्रोम यहाँ पे कहाँ पे नज़र आ रहा है मेरे को। तो एक तो देखो ये गूगल क्रोम मेरा ये रहा, गूगल क्रोम डेस्कटॉप की स्क्रीन पे यहाँ पे है, और एक ये स्टार्ट बार है ना टास्क बार है, इसके ऊपर भी गूगल क्रोम है। तो डायरेक्ट मैं गूगल क्रोम पे क्लिक किया मैंने, तो गूगल क्रोम पे क्लिक करोगे तो ब्राउजर ओपन हो गया। अब ब्राउजर में अपन को है ना क्या सर्च करना है, तो अपन को सर्च करना था राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन। तो यहाँ पे लिखोगे राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, या गूगल क्रोम में है ना सर्च टूल बार है, सर्च वाले ऑप्शंस पर अपने लिखेंगे एंटर कर देंगे। तो अपन को यहाँ पे तुम देखोगे ना तो ये एक लिंक आ गया, यहाँ पे फर्स्ट जो लिंक आया RRRLF है ना, ये अपन को यहाँ पे भी क्वेश्चन में भी दे रखा है। तो क्वेश्चन में देखोगे तो ये क्वेश्चन में भी देखोगे ना, ये अपन को RRRLF ये दे रखा है। तो अपन ने सबसे पहले क्या किया, गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन किया, उसमें अपन ने है ना सर्च वाले बॉक्स में अपन ने ये पूरा टाइटल लिख दिया राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन है ना, या RRRLF भी लिख दोगे तो अपने पास सर्च में जो अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी स्क्रीन पे। तो उस इन्फॉर्मेशन में जो पहला लिंक आया मेरे पास RRRLF है ना, यह एक वेबसाइट का लिंक आ गया, तो मैं इसको ओपन करूँगा। तो ये मैं ओपन करूँगा तो ये मेरी वेबसाइट है ना, ये RRRLF वाली वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ये मेरी है ना मेन बेसिक्स जो मेन बेस मतलब मेन वेबसाइट है, ये मेरी ओपन हो गई। तो अपन को ये ओपन होने के बाद इसमें अपन कहीं पे भी है ना किसी भी टैब पे विजिट कर सकते हैं। तो एक तो आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन का टाइटल हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन है इसका URL कैसे लिखे, तो URL देखो ये होता है आपका यहाँ पे URL है ना, URL क्या आया, तो अपना है ना URL का जो नाम आया, तो अपन ने पहले तो क्या किया, तो अपन जिसकी स्टेप्स लिखेंगे ना तो अपन स्टेप्स ऐसे बनाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है जैसे है ना, पहला क्वेश्चन मेरा हुआ ए, तो यहाँ पे लिखेंगे आंसर। तो यह लिखोगे विजिट है ना वेबसाइट, अब वेबसाइट का नाम क्या है RRLF। तो सबसे पहले तो अपन ओपन करेंगे ओपन गूगल क्रोम ब्राउजर है ना, गूगल क्रोम ओपन गूगल क्रोम ब्राउजर
ना, फिर देन सर्च के अंदर, सर्च ऑप्शंस में टाइप है ना, ये अपन ये टाइटल डाल देंगे, राजा राम मोहन राय, या पूरा लिख दोगे LF, फिर एंटर कर देंगे। फिर सर्च का ये तो आपका है ना पूरा, ये पूरी वेबसाइट है ना, फिर डायरेक्ट ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी, मेन वेबसाइट ओपन, या लिख देंगे अपन मेन वेबसाइट ओपन। फिर इसके बाद में ये आपका पूरा है ना विजिट हो जाएगी, साइट है ना विजिट हो जाए, मतलब ओपन हो जाएगी। फिर सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है, राइट डाउन द URL लिंक। तो अब URL लिंक क्या बनना है इसका, URL लिंक, तो URL लिंक में आप लिखोगे, तो यहाँ देख लो इसका URL लिंक क्या है ना, यहाँ एक एड्रेस बार में देख लो, तो आप देखोगे तो ये है RRLF.NIC.IN है ना, ये हो जाएगा यहाँ पे RRLF.NIC.IN है ना। यह आप सर्च में भी देख सकते हो क्या किस लिंक पे अपन ने क्लिक किया था। तो इसका नेक्स्ट आंसर सेकंड पे आंसर हो जाएगा अपना यहाँ पे www.RRLF.NIC.IN, ये आप है ना इसका URL लिंक हो जाएगा। फिर तीसरे नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है अपन से, तीसरे नंबर का क्वेश्चन देखो, तीसरे नंबर का अपन जिस अपन से क्वेश्चन कहता है कि तीसरे नंबर का जो पार्ट है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन अबाउट RRLF, तो यहाँ पे इस पे शॉर्ट नोट्स लिखना अपन को। तो ये साइट अपन ने जो खोली है ना, तो अबाउट अस में जाके इसके शॉर्ट नोट्स पूरे लिख सकते हो आप। तो कैसे लिखे, अब देखो ये हो गया, अब यहाँ पे है ना कॉन्टेक्ट अस अबाउट अस, तो अबाउट अस में है ना अबाउट ये पूरा हो जाएगा, तो आप ये लिख सकते हो ये वाला, ये आपका पूरा शॉर्ट नोट्स में ये पूरा इतना एक पैराग्राफ लिख सकते हो वाला, ये RRLF है ना पूरा ये दे रखा है ना, पूरा देखो पूरा ये दे रखा है कि ये वेबसाइट क्या क्या सर्विसेज देती है ना, इसका क्या मेजर रोल है, तो ये पूरा इस पर एक शॉर्ट नोट्स लिख सकते हो ना, ये पैराग्राफ को या तो अपने उसमें कॉपी करके ले लेके या फिर राइट डाउन कर लो कॉपी में, तो अपने एक आंसर अपना ये हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें तीसरे नंबर के बाद में, चौथे नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है अपने से, तो ये तो हो जाएगा तीसरे नंबर का है ना अबाउट RRLF, यहाँ पे लिख देंगे अबाउट यहाँ पे अपन, यहाँ पे शॉर्ट नोट्स लिख देंगे अपन, फ्रॉम साइट से लिख देंगे अपन, साइट से लिखेंगे। फिर चौथे नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है अपन से, चौथे नंबर का अपन देखें, चौथे नंबर का आप देखोगे फाइंड द एक्टिविटीज एंड सर्विसेज ऑफ RRLF ऑन है ना वेबसाइट, तो ये भी अपन को इस पे सर्च करना है, फाइंड एक्टिविटीज एंड सर्विसेज ऑफ RRLF। तो आप ये मेन वेबसाइट जो अपन ने खोली है फिर उस पर जाइए, फिर अपन देखेंगे यहाँ पे सर्विसेज, अब सर्विसेज क्या क्या है ये पूरी नोट डाउन कर लोगे, सर्विसेज ऑफ RRLF जैसे लाइब्रेरी रजिस्ट्रेशन है, स्पेशल लाइब्रेरी है, ऑथर्स पब्लिकेशन रजिस्ट्रेशन है, सेंट्रल बुक सिलेक्शन है ना, ग्रांट स्टेटिक्स है, बुक है ना डोनेशन है, तो ये अपन को है ना ये इसकी सर्विसेज और एक्टिविटीज है, ये पूरे पॉइंट नोट डाउन कर लेंगे अपन को। यानी कि वेबसाइट खोल लोगे, वेबसाइट का जो पहला पेज खुलेगा वो होम पेज कहलाएगा, होम पेज में फिर जो अपन को क्वेश्चंस में क्वेरीज दे रखी है उनको अपन इस वेबसाइट के थ्रू पूरा नोट डाउन कर लेंगे। अब अपन को डी नंबर का जो ऑप्शंस दे रखा है उसमें एक्टिविटीज और सर्विसेज क्या क्या है ये पूरे नोट डाउन कर लेंगे अपन को पॉइंट, या इसका स्क्रीनशॉट लेके भी अपन सेव कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में, है ना। फिर नेक्स्ट कह रहा है कि ये बुक मार्क चाहिए अपन को इस वेबसाइट का, क्योंकि ये रूटीन में यूज होने वाली, डेली रूटीन में यूज होने वाली वो है, तो आप बुक मार्क कैसे बनाएं, तो ई नंबर का है ना, ई नंबर का जो ऑप्शंस होगा इसके बाद, ई नंबर का जो ऑप्शंस होगा तो बुक मार्क कैसे बनाएं यहाँ पे, तो बुक मार्क के लिए इस वेबसाइट को बुक मार्क करना अपन को, तो बुक मार्क करने में तो अपन कंट्रोल और प्लस डी, ये एक शॉर्टकट कमांड है याद रखो, है ना, या फिर अपन को बुक मार्क करेंगे तो उसमें एड्रेस बार में भी बुक मार्क का ऑप्शन अपन को मिल जाएगा, तो एड्रेस बार में देखोगे बुक मार्क का, तो ये वाला जो बटन है ना ये स्टार जो बना हुआ है ये बुक मार्क दिस टेप, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे यहाँ पे डन कर देंगे अपन, है ना, या कंट्रोल डी करके डन कर दो तो वो बुक मार्क में आ जाएगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट इस वेबसाइट का लिंक आ जाएगा यहाँ पे, जैसे ये लिंक आ गया यहाँ पे, है ना, यहाँ पे ये लिंक आ गया, ये वाला जो लिंक आ गया ना, ये वाला ये लिंक आ गया। तो अपन को ऐसे पाँच ऑप्शंस देंगे, पाँच ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चंस करना होगा,
कोई ज्यादा टफ नहीं है, सबसे पहले तो क्वेश्चंस को पढ़ो समझो कि कैसे क्या करना है अपन को। यूआरएल का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, एक वेबसाइट का हर एड्रेस होता है तो उसका क्या लिंक आया है ना, तो लिंक को एड्रेस बाहर से देख के अपन लिख लेंगे। तो ऐसे अपन को 5 स्टेप्स में आंसर लिखने हैं। अब अपन को बाई चांस हो सकता है ना कि कई बार वो पीपीटी बनाने के लिए भी कह देते हैं। अब आपको जैसे ये RRLF की वेबसाइट है, इसकी एक्टिविटी जो सर्विसेज का जैसे अपन को वो लेना है स्क्रीनशॉट लेना है, तो अपन कैसे लेंगे? तो जैसे आपने वेबसाइट खोल रखी है, एक्टिविटीज पे जाओगे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो स्क्रीनशॉट कैसे लेंगे? शिफ्ट को प्रेस करते हुए, यानी शिफ्ट को प्रेस करते हुए, शिफ्ट को प्रेस करते हुए और प्रिंट स्क्रीन ले लो और फिर उसको वर्ड में है ना पेस्ट कर लो, तो एक आपकी इसकी स्क्रीन आ जाएगी। अब जैसे मैंने शिफ्ट के साथ में प्रिंट स्क्रीन को यूज कर लिया, जैसे है ना प्रिंट स्क्रीन यूज कर लिया मैंने, प्रिंट स्क्रीन। अब मैं कहता हूँ ये स्क्रीनशॉट मेरे को सेव करना है। अब सेव करेंगे तो वर्ड खोल लो, वर्ड खोलना आप सबको आता है, वर्ड खोल लिया जैसे मैंने, और वर्ड खोल के फिर ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट है तो ये स्क्रीनशॉट हो जाएगी मेरे यहाँ पे। तो ये देखोगे ना तो ये पूरे मेरे एक्टिविटीज आ गई। ऐसे सर्विसेज का स्क्रीनशॉट सेकंड स्क्रीन पे यहाँ पे ले लेंगे। अब जैसे मान लो सर्विसेज का लेना अपन को, तो यहाँ पे है ना सेकंड इसमें ऑप्शंस, तो वेबसाइट को फिर खोल लूँगा मैं, फिर यहाँ सर्विसेज पे जाऊँगा, ये सर्विसेज का बॉक्स खुल गया। अब इसका स्क्रीनशॉट शिफ्ट और प्रिंट स्क्रीन करके मैं ले रहा हूँ, शिफ्ट प्रिंट स्क्रीन को मैंने होल्ड डाउन किया, प्रेस किया और फिर यह कंट्रोल वी कर दिया, कंट्रोल वी। तो यहाँ पे ना एक्टिविटीज का आ गया, सर्विसेज का आ गया, तो आपकी दो स्क्रीन है। फिर इसके थोड़ा पीपीटी में ये इन इमेजेज को ले जाके पीपीटी बना सकते हो, इसको सेव कर ले, रोल नंबर से आप सेव कर सकते हो फाइल को। तो ये क्वेश्चंस अपन इस तरह से कर सकते हैं। ऐसे अपन और क्वेश्चंस भी देखे तो देखो, आप कह रहे नेक्स्ट ईयर प्रीवियस ईयर का और क्वेश्चन देखो, कि ये कह रहा है कि विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ओपन द होम पेज एंड राइट डाउन इट्स यूआरएल। तो आपको द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कैसे खोलने, तो मैंने बताया ना कि सबसे पहले तो ब्राउजर को ओपन करेंगे। तो यहाँ पे इसकी स्टेप्स कैसे बनेगी, ब्राउजर को गूगल क्रोम को ओपन करेंगे। तो यहाँ पे लिखोगे ओपन गूगल क्रोम, यहाँ पे है ना, यहाँ पे लिखेंगे ओपन ब्राउजर। अब यहाँ गूगल क्रोम को ओपन कर देंगे है ना, गूगल क्रोम। फिर अपन यहाँ पे सर्च में क्या डालेंगे, सर्च में यहाँ लिख देंगे अंदर गूगल क्रोम में, सर्च में जैसे है ना कैसे, तो यहाँ पे जैसे मैंने गूगल क्रोम पे क्लिक किया, यहाँ पे एड्रेस बार खोलूँगा तो ये नया टैब ले लेता हूँ गूगल क्रोम में। तो यहाँ पे मैंने लिखा द इलेक्शन कमीशन, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यहाँ अपन गूगल पे सर्च में डाल रहा हूँ मैं ना। तो ये पहला ही जो टैब आया है ना यहाँ पे ECI.gov.in है ना, ये आपके URL लिंक आ गया। अब इस साइट पे क्लिक करो, ये आपके भारत निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट खुल गई। अब इसका URL नोट डाउन करना है, तो URL हो गया ECI.gov.in है ना। तो यहाँ आंसर में आप सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर है कि इसका URL लिखना है अपन को, तो यहाँ पे URL जो लिखूँगा ना, तो यहाँ पे URL क्या हुआ, तो यहाँ पे हो गया ECI.gov.in है ना, ये इसका URL हो जाएगा यहाँ पे। तो WWO लगा सकते हो, वर्ल्ड वाइड वेब में से निकल के आया नहीं। तो ये फाइंड द चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, अब यहाँ पे फाइंड द नेम ऑफ द चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो ये इस वेबसाइट पे विजिट करोगे तो चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का इसमें नाम आ जाएगा। तो यहाँ पे आप अपन देखें इसको, इस पे वेबसाइट पे, या फिर यहाँ पे देखो ये दे रखा चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है ना, ये पूरे नाम दे रखे। तो यहाँ से नाम नोट डाउन करके अपने आंसर में लिख सकते हो, जैसे एक तो ये नाम दे रखा राजीव कुमार है, द अनूप है ना चंद्र पांडे हो गया, श्री अरुण गोयल हो गया है ना, ये आपके इलेक्शन कमिश्नर है यहाँ पे। तो एक तो ये टाइटल हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन, तो यहाँ पे देखो ये कह रहा है कि इसकी गाइडलाइन अपन को है ना COVID-19 की गाइडलाइन डाउनलोड करनी है, तो यहाँ पे इसमें दे रखी होगी, सर्च करके इस पूरी होम पेज पे विजिट करोगे तो कोविड की गाइडलाइन होगी। और फिर अपन को एक ये फाइंड आउट द रिजल्ट्स असेंबली के 2022 के पूरे रिजल्ट है, ये भी उसमें सर्च में डालोगे तो नाम आ जाएगा। फिर इसका बुक मार्क करना है, कंट्रोल डी से बुक मार्क हो जाएगा। तो ये दो दो मार्क्स के ऐसे 5 क्वेश्चन हैं। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे तो इसमें भी ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर 5 वेबसाइटों के नाम लिखने हैं। तो गूगल पे जाओगे, तो गूगल पे जैसे मैं नया टैब खोलता हूँ तो मैं यहाँ लिखूंगा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ओपन SOURCE सोर्स सॉफ्टवेयर
अब ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, तो जैसे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में ये अपने पास कुछ वेबसाइटों के लिंक आ गए, तो इसमें से टॉप 5 लिंक ले सकते हैं या ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वेबसाइट, वेबसाइट ऐसे भी लिख के डाल दोगे तो लिंक मिल जाएंगे आपको। तो यह 7 वेबसाइट या 5 वेबसाइट के नाम लिखने अपन को, है ना, ओपन सोर्स के। यहाँ पे जैसे ओपन सोर्स आ गया ना, तो यहाँ पे अभी खुल जाएगी, तो यह 5 वेबसाइट के नाम अपन लिख लेंगे यहाँ पे। जैसे पहले तो ये बता रखा था अपन को, है ना, तो ये 5 वेबसाइट है, OSDN है, जैसे फोर्स हब हो गया, ऐसे 5 वेबसाइट के नाम लिख के और फिर इसके आंसर अपन ले लेंगे अपन। फिर ये कह रहा है कि इसका URL, अरे इनके पूरे सबके URL लिखने अपन को। फिर राइट है पैराग्राफ, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पे पूरा एक पैराग्राफ लिखना है, तो बुकमार्क बनाना है। फिर ये अपन को, ये जो अपन ने ये पूरा काम किया है, इसका स्क्रीनशॉट लेके एमएस वर्ड में, है ना, पूरा URL को या एक लिंक देना अपन को। तो ये अपन को, है ना, ये बिल्कुल ईजी क्वेश्चन से आप कर सकते हो। तो आज की क्लास को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। थैंक यू।